थर्ड एक्सरसाइज इन ट्रिग्नोमेट्री. एक्चुअली सीबीएसई सेज दैट दिस सिलेबस इज रिलेटेड फॉर द एग्जामिनेशन, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक अ नॉलेज ऑफ दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो लेट्स हैव सम नॉलेज ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ व्हेन यू सी दिस प्रॉब्लम, सी 18 एंड 72 इफ यू टेक, वी से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज 18 प्लस 72 इज 90 एंड 72 प्लस 18 इज 90. सो इन दैट केस वॉट यू शुड डू इज यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. दोनों में से एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको सेलेक्ट करना है. कौन सा सेलेक्ट करोगे? मान लीजिए मैंने न्यूमरेटर सेलेक्ट किया, 18 सेलेक्ट किया, तो इस 18 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72 डिग्री. सर 82, 18 क्यों नहीं लिखा? 18 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72. तो 90 माइनस 72 फिर से क्या होगा? इट विल बी 18. सो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा. आपने सीखा है ऑलरेडी. तो ये साइन पढ़ते समय इसको कैसे पढ़ोगे आप? साइन 90 माइनस थीटा, डोंट रीड इट एज 72, रीड इट एज साइन 90 माइनस थीटा. सो इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज हाउ मच? 72. तो ये भी कितना होगा? कॉस 72 होगा. तो इसको आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो आपको आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. तो आप पूछ सकते हो सर न्यूमरेटर को ही आपने क्यों चेंज किया, डिनोमिनेटर को क्यों नहीं चेंज किया? ठीक है, इस प्रॉब्लम में हम वो भी करके आपको बताते हैं. सी अगेन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, दिस इज 26, दिस इज 64. 26 प्लस 64 कीजिए आप, यू विल बी गेटिंग 90. तो इस प्रॉब्लम में मैंने न्यूमरेटर चेंज किया था, इसीलिए इस प्रॉब्लम में मैं डिनोमिनेटर चेंज करके आपको बताऊंगा. हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉट आई विल राइट इट एज 64 डिग्री इज द डिफरेंस ऑफ 90 एंड 26, बिकॉज 90 में से 26 हटा दीजिए, आपको 64 मिलेगा. तो वॉट यू विल गेट हियर इज टैन 26 डिग्री. दिस इज कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा. सो कॉट 90 माइनस थीटा, बच्चों फॉर्मूला आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा. तो ये होगा कॉट 90 माइनस थीटा, दैट इज टैन थीटा. डोंट रीड इट एज कॉट 90 माइनस 26, रीड इट एज कॉट 90 माइनस थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा. सो दिस 26 कैंसिल, देन दिस इज 1. देन यू मे आस्क सर क्या इस प्रॉब्लम को हम ऐसे कर सकते हैं? यस यू कैन डू इट. इन दैट केस 18 को ऐसे रखिए आप, 72 को आप लिखिए 90 माइनस 18. सर क्या इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते हैं? यस. इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? 64 ऐसे लिखना पड़ेगा, 26 को आपको लिखना पड़ेगा 90 माइनस 64. तो यू चेंज एनी वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. यहाँ पर भी आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 48 है, 42 है. या तो मैं इसको चेंज कर दूं तो इसको ऐसी रखूंगा, या फिर इसको ऐसी रखा तो इसको चेंज करूंगा. तो लेट अस सी, चलो पहली बार इस प्रॉब्लम में पहला वाला चेंज करके देखते हैं. कॉट आई विल राइट एज इट इज माइनस साइन 42, मैं ऐसी लिखता हूं. तो इस 48 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 42. और बच्चों मैंने दोनों में से एक को चेंज किया, ये कॉट नहीं है एक्चुअली, दिस इज कॉस, दिस इज कॉस. सो दिस शुड बी कॉस. फिर से इसी प्रॉब्लम को मैं पढ़ता हूँ, देखिए एक बार. वी विल डू दिस प्रॉब्लम वंस अगेन. कॉस 48 माइनस साइन 42 है, तो कॉस 48 माइनस साइन 42 है, तो 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सो दोनों में से एक को चेंज कीजिए. 48 में से 48 को चेंज करूँगा तो 42 को वैसे ही रखूँगा. तो दिस विल बी कॉस 90 माइनस थीटा. और पढ़ते समय मैंने आपको बताया था, पढ़ते समय कैसे पढ़ोगे आप? कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा. यानी कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? साइन थीटा. और थीटा की वैल्यू कितनी है? 42. तो साइन 42 माइनस साइन 42 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0. सर व्हाई डिडंट यू चेंज दिस वन, इसको क्यों नहीं चेंज किया? ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम में मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको वैसे ही रखता हूँ, तो क्या होगा? लेट अस सी. कोसेक 31 डिग्री, इसको चेंज करना है मुझे, तो मैं इसको लिखूंगा सेक. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 59 आई विल राइट इट एज 90 माइनस 31. क्या लिखूंगा मैं? 90 माइनस 31. तो वैसे लिखने से क्या होगा सर? ये होगा कोसेक 31 डिग्री,
90 माइनस 31 है 59, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था sec 90 माइनस थीटा होगा बच्चों cosec थीटा, cosec थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा sec 90 माइनस थीटा ये होगा cosec थीटा और थीटा है 31, तो cosec 31 माइनस cosec 31 कितना होगा बच्चों? जीरो। सर इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते हैं क्या? यस, इन दैट केस 31 शुड बी रिटन एज 91 माइनस 59, दिस हैज़ टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट। सर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय दिस वे? यस, इन दैट केस 48 हैज़ टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट एंड दिस हैज़ टू बी चेंज्ड। तो यू कीप एनी वन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एज कॉन्स्टेंट एंड द रेस्ट वन यू हैव टू चेंज। नाउ हियर इट इज tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। हियर ऑल्सो आई हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 1। सो इफ एट ऑल आई हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 1, आई विल कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। The left-hand side reads tan 48, tan 23, tan 42 and tan 67. Let us see which are the complementary pairs. See, 48 and 42 are complementary pairs. So, I will change any one of the two. Suppose if I decide to change 48, then 42 I will keep it as it is. Here 67 and 23 are complementary. Suppose if I decide to change this one, then this I'll keep it as it is, tan 67. Here I'll change this one, then this one is 48 can be written as difference of 90 and 42, and 23 can be written as difference of 90 and 67. Now again same formula you apply, tan 90 minus theta. Tan 90 minus theta is cot theta. Tan 90 minus theta is cot theta. Here it is tan 42 and tan 67. Sir, one to nahi aaya, aa jayega. Tan is nothing but I can write tan as reciprocal, cot as reciprocal of tan. I can write tan theta as 1 by tan theta, cot theta as 1 by tan theta. Here again I can write it as 1 by tan theta. Here this is tan 42 as it is and this is tan 67 as it is. Now if you cancel it, what is that you are going to get? You are going to get 1. 1 means what? RHS. So this is the way in which you have to change the complementary pairs. Ek ko constant rakhenge to dusra ko change karna. Yahan dekhiye aap left hand sides, यहाँ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है? cos 38 और sin 52 कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पर cos 52 और sin 32 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सर पिछली बार आपने ये पहले दो को बदला था, इस बार दूसरे दो को बदलेंगे। तो देखिए उसको LHS आप लिखिए, LHS इज इक्वल टू हाउ मच? cos 38, cos 52, sin 38, sin 52। तो चलो पिछली बार मैंने इसको चेंज किया था, अब की बार इसको चेंज करते हैं। इसको फर्स्ट वन आई विल कीप इट एज इट इज cos 52, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? sin, यहाँ पर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। 38 को मैं लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ 90 एंड 52, 52 को मैं लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ 90 एंड 38। तो ये होगा cos 38, cos 52, sin 90 माइनस थीटा। और sin 90 माइनस थीटा बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि sin 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा। तो ये होगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और sin 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा। तो दोनों सेम हो गए बच्चों, और दोनों सेम क्वांटिटी हो गए तो कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। और जीरो यानी क्या है? आपका RHS है। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो वेरी सिंपल है, सेलेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कीप वन कॉन्स्टेंट एंड कीप चेंजिंग द अदर वन एंड यू विल गेट द आंसर।